हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाइट फैंग मूवी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक पप्पी को दिखाया जाता है, तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर एक खतरनाक भेड़िए के झुंड को दिखाया जाता है जो एक खरगोश का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं और कुछ ही देर में वे उस खरगोश को घेर लेते हैं। पर तभी एक डॉग नस्ल का भेड़िया आता है और उसको मुंह में दबाकर वहां से भाग जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल ये मादा भेड़िया है और उसी पप्पी की मदर है जो अपने बेटे के लिए खरगोश का शिकार करके लाई है। इधर हमें एक लड़के जैक को दिखाया जाता है जिसके फादर की डेथ हो चुकी है, जो उनसे दूर यूक्रेन में रहता था और लास्ट टाइम में वह अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल सका और उसने अपनी खदान से कुछ सोने की धूल भेजी थी, जिसकी तलाश में जैक यूक्रेन आया है अपने फादर के ठिकाने पर उसको ढूंढने के लिए। पर जैसे ही जैक यूक्रेन में पहुंचता है तो तीन लोग उसकी जेब काट लेते हैं और फिर वह आगे का सफर बर्फीले रास्तों से पैदल स्टार्ट करता है और वह अपने फादर के दोस्त अलेक्स लार्सन के पास पहुंच जाता है, जहां अलेक्स के दोस्त की डेथ हो चुकी है और वह उसको दफनाने के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैक अलेक्स से कहता है कि मुझे भी साथ ले चलो मेरे फादर के रहने के ठिकाने तक और वहां पर हम मिलकर सोने की तलाश करेंगे और अलेक्स का साथी स्कूनर उसको साथ ले जाने के लिए कहता है और फिर वह तीनों बर्फीले रास्तों से अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं। और एक बार फिर हमें उस पप्पी और उसकी मदर को दिखाया जाता है, जहां आपस में माँ बेटे एक दूसरे से प्यार करते दिखाए जाते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि एक माँ, चाहे वो जानवर की हो या इंसान की, वो अपने बच्चों को बिना स्वार्थ के बे इंतहा प्यार करती है। और फिर हम देखते हैं कि मदर अपने बच्चे के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए अपने पप्पी को अकेला छोड़कर घर से निकल जाती है। इधर जैक और एलेक्स स्लेज डॉग के सहारे ताबूत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि थोड़ी दूर जाने पर जैक नोटिस करता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जैक इस बात को अलेक्स और स्कूनर को बताता है और वे फिर जैक को बताते हैं कि ये भेड़िए हैं जो खाने के लिए 2 घंटे से हमारा पीछा कर रहे हैं और वो आगे बताते हैं कि ये हमारे कुत्तों को खाने के लिए हमारा पीछा कर रहे हैं और वो उसे बताते हैं कि इंसानों पर वे तभी हमला करते हैं जब भूख ने उन्हें पागल कर दिया हो है। और ये सब सुनकर जैक भी डर जाता है और फिर वे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक खतरनाक भेड़िए को देखते हैं जो अलेक्स टीम का पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और वे एक स्थान पर रुककर खाना बनाने लगते हैं कि तभी स्कूनर अपने 7 डॉग्स के लिए 7 मछली उनको डालने के लिए जाता है और जैसे वह वापस आता है तो देखता है कि एक डॉग तो इधर ही होता है और उससे मालूम पड़ जाता है कि उसके अपने डॉग्स के बीच में एक भेड़िया है जो एक मछली खा गया। कुछ ही देर बाद पप्पी की मदर को दिखाया जाता है, क्योंकि मदर भी ज्यादा देर तक पप्पी के बिना नहीं रह पाती और वह वही मछली लेकर पप्पी के पास पहुंचती है और पप्पी को खाने के लिए देती है। पप्पी को प्यार से खाते देख मदर को बहुत अच्छा लगता है और फिर सुबह हो जाती है। जैक और उसके साथी आगे बढ़ने लगते हैं। वे कुछ दूर ही पहुंचते हैं कि रास्ते में एक ढलान आ जाती है और जैसे ही वो उतरने के लिए बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि तभी ताबूत वाली गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। जैक उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह ताबूत उससे दूर जाकर गिरता है और उस ताबूत के अंदर जो डेड बॉडी होती है वह भी बाहर आ जाती है। जैक और वह डेड बॉडी एक प्लेन बर्फ के एरिया पर जाकर गिरते हैं और जैक वहां से जैसे ही उठकर चलने की कोशिश करता है, अचानक से वह बर्फ का टुकड़ा टूट जाता है और जैक नीचे पानी में गिर जाता है और उसके साथ में वह डेड बॉडी भी पानी में गिर जाती है। वह किसी तरह से ऊपर आता है और उसके साथी किसी तरह से रस्सी के सहारे जैक को वहां से बाहर निकालते हैं और कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और वे वहीं पास में ही रुक जाते हैं। अलेक्स बॉडी को निकालकर ताबूत को सही करने लगता है और कुछ ही देर बाद उन्हें अपने डॉग्स के रोने की आवाज आती है। वो समझ जाते हैं कि भेड़िए आ गए हैं और वे अपने डॉग्स को छिपाने लगते हैं कि तभी जैक को एक भेड़िया दिखाई देता है।
दरअसल ये वही मादा भेड़िया होता है जो पप्पी की मदर है। तभी उनका एक डॉग उसके पीछे भागने लगता है और वो अपने डॉग को बुलाने की कोशिश करते हैं, पर उनका डॉग और वह मादा भेड़िया आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहां पर भेड़ियों का झुंड आ जाता है और उनको देखकर वह डॉग डर जाता है और वापस आने लगता है, पर उस डॉग को बचाने के लिए स्कूनर भेड़ियों पर फायर शुरू कर देता है, जिसमें वह मादा भेड़िया घायल हो जाती है और स्कूनर अकेला ही उनके पीछे भाग जाता है, जिसमें भेड़ियों का झुंड स्कूनर को मार डालते हैं और उन्हें सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती हैं। वो और उनके डॉग्स बहुत डर जाते हैं। इस हादसे से उन्हें और उनके डॉग्स को रात भर नींद नहीं आती और थोड़ी देर बाद एक बार फिर भेड़ियों का झुंड उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो उन्हें आग से डराकर भगा देते हैं। अब उन्हें लगता है कि यहाँ से निकलना चाहिए और वे अपने चारों ओर आग जलाकर रात बिताने की कोशिश करते हैं, पर वे जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करते हैं कि तभी एक बार फिर भेड़िए उन दोनों पर हमला कर देते हैं, पर तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और भेड़ियों पर फायरिंग करके उन्हें बचा लेते हैं। और इधर हमें मादा भेड़िए को दिखाया जाता है जो लंगड़ाकर चल रही होती है और वह किसी तरह से धीरे धीरे सरकती हुई अपने पप्पी के ठिकाने तक पहुंच जाती है और वह वहीं पर बाहर ही लेट जाती है। पप्पी अपनी माँ की आहट पहचान लेता है और वह अपने घर से बाहर निकलकर देखता है तो उसकी माँ नीचे जमीन पर लेटी हुई होती है और वह एक सांस अपनी मदर को देखता रहता है जो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है। दरअसल पप्पी की मदर की यहीं पर मौत हो जाती है। पप्पी अपनी मदर को जगाने के लिए उसका मुंह चाटता रहता है, क्योंकि जब भी उसकी मदर उससे नाराज होती थी वह उसे ऐसे ही मनाता था, पर उस बच्चे को नहीं पता था कि उसकी मदर अब कभी नहीं उठेगी। वह खुले आसमान की बर्फीली रात में पूरी रात अपनी मदर के ऊपर सर रखकर लेटा रहता है कि उसकी मदर उठेगी और उसे खाना खिलाएगी। सुबह हो जाती है और दोनों के ऊपर बर्फ जम जाती है। आखिरकार इंसान हो या जानवर, जब उसे भूख लगती है तो पेट भरने के समय पर जो भी मिल जाए उससे अपनी भूख मिटा लेते हैं। पर बेचारी पप्पी ने आज तक घर से बाहर निकलकर नहीं देखा था, पर वह जैसे तैसे करके अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगता है। तभी सामने उसे भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है, पर वह इस डर से कि कहीं ये मुझे ही ना खा ले वह उनके पास नहीं जाता है। और जैसे ही वह थोड़ा आगे चलता है वह एक बर्फ की गुफा में गिर जाता है। वह वहां से किसी तरह बाहर निकलता है तो सामने एक सूखी नदी को देखता है जिसमें उसे कुछ मछली दिखाई देती है। वह उन्हें खाने की कोशिश करता है, पर कभी भी उसने पहले शिकार नहीं किया होता है इसलिए वह मछली उसकी पकड़ में नहीं आती है। कई दिनों से भूखा पप्पी सिर्फ पानी पीकर अपनी भूख को शांत करने की कोशिश करता है। इधर हम जैक और एलेक्स को देखते हैं जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं कि रास्ते में जैक को प्यास लगती है और वह नदी में पानी पीने के लिए जाता है। और जैसे ही वह पानी पी रहा होता है कि वह नदी की दूसरी साइड पर पप्पी को देखता है जो नदी में पानी पीने ही आया था। पर जैसे ही जैक पप्पी को सीटी बजाकर पुचकारने की कोशिश करता है वह उसे देखकर वहां से डरकर भाग जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी भी इंसान को नहीं देखा था। कई दिनों से भूखा पप्पी इधर उधर अकेला पेट भरने के लिए भटकता रहता है, पर उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। भूख से बेहाल पप्पी कुछ ना मिलते देख वह पेड़ों के पत्ते खाकर अपने पेट को भरने की कोशिश करता है। फिर थोड़ा चलने के बाद उसे पेड़ पर एक मरा हुआ जानवर लटकते हुए दिखाई देता है और वह उस पेड़ के पास जाकर छलांग लगाकर उसे खाने की कोशिश करता है और वह शिकारियों द्वारा लगाए जाल में फंसकर उल्टा पेड़ पर लटक जाता है। थोड़ी देर बाद वे शिकारी आते हैं और पप्पी को नीचे उतारकर अपने साथ ले जाते हैं और उसे बोझ ढोने के लिए ट्रेंड करना शुरू करते हैं और वह उसका नाम व्हाइट हैंग रखते हैं। इधर जैक और एलेक्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस डेड बॉडी को दफनाना था।
उसके बाद जैक और अलेक्स अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। अलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है और जैक भी वहीं पास में रहने लगता है। मौसम का पूरा एक सीजन बीत जाता है। एक दिन जैक अलेक्स से उसकी गर्लफ्रेंड के होटल में मिलता है और उसे अपने पिता की खदान में ले जाने के लिए कहता है। आखिरकार अलेक्स जैक के साथ उसके पिता के ठिकाने पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह एक बोट से होते हुए एक कबीले की बस्ती में पहुंच जाते हैं, जहां पर उसकी मुलाकात एक बार फिर व्हाइट फैंग से होती है। पर अब व्हाइट फैंग बड़ा हो चुका था, जो उन शिकारियों के पास था जो उसे पकड़कर ले गए थे। और जैसे ही जैक व्हाइट फैंग को देखता है, वह नोटिस करता है कि व्हाइट फैंग उसे लगातार देख रहा है, जैसे उसे पहले से जानता हो। वह उसके पास जाकर उससे बात करने लगता है और जैसे ही व्हाइट फैंग को सहलाने की कोशिश करता है, उसे व्हाइट फैंग का मालिक रोक देता है कि कहीं ये तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। और रात में जैसे ही जैक सोने की कोशिश कर रहा होता है, तो वह एक बार फिर व्हाइट फैंग को देखता है। और यहाँ पर हमें व्हाइट फैंग के मन की आवाज भी सुनाई देती है, जो शायद अपने अकेलेपन से दुखी है और जैसे वह किसी की तलाश कर रहा हो। सुबह होती है और जैक जंगल की तरफ घूमने के लिए जाता है, पर तभी उसके पीछे भालू पड़ जाता है। वह उससे बचने के लिए भागता है, इधर भालू भी उसके पीछे दौड़ता है। जैक उससे बचने के लिए लकड़ियों के नीचे छिप जाता है, पर भालू उसे लकड़ियों के अंदर घुसकर जैक पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी व्हाइट फैंग आ जाता है और जैक के सामने खड़ा हो जाता है और भालू को ललकारने लगता है। भालू भी व्हाइट फैंग पर गुर्राने लगता है, पर व्हाइट फैंग के खतरनाक दांत देखकर भालू डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जैक ये सब देख रहा होता है। अगले दिन जैक और अलेक्स अपनी मंजिल की ओर निकलने लगते हैं। जैक एक बार फिर से नोटिस करता है कि व्हाइट फैंग दुखी है। वह उसके पास जाता है और उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है। पर जैसे ही वह बोट में बैठकर निकलने लगते हैं, तो व्हाइट फैंग किनारे पर खड़ा जैक को देख रहा होता है। जैसे व्हाइट फैंग को जैक के जाने का दुख हो, जैक भी नोटिस कर रहा होता है। इधर जैक और अलेक्स अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जैक अलेक्स को वहीं पर अपने साथ रहने के लिए कहता है। अलेक्स भी मान जाता है और वहीं पर सोने की खोज करने लगते हैं। इधर व्हाइट फैंग का मालिक उसे लेकर बाजार में खाल बेचने के लिए पहुंच जाता है और वह व्हाइट फैंग को बाहर छोड़कर जैसे ही एक दुकान के अंदर जाता है, तो वहां पर एक फाइटिंग डॉग व्हाइट फैंग को देखकर भौंकने लगता है। और ये डॉग उसी आदमी स्मिथ का होता है जिसने मूवी के स्टार्ट में जैक की जेब काटी थी। वह व्हाइट फैंग को पहचान जाता है कि ये एक भेड़िया है, क्योंकि वह डॉग्स की फाइट पर पैसा लगाता था। तो वह व्हाइट फैंग को चेक करने के लिए अपना डॉग व्हाइट फैंग पर छोड़ देता है और व्हाइट फैंग कुछ ही देर में उसे मार देता है। ये देखकर स्मिथ व्हाइट फैंग पर अपने डॉग को मारने का आरोप लगाकर उसके मालिक से उसे फाइट के लिए हासिल कर लेता है। वह व्हाइट फैंग को टॉर्चर करता है, जिसे उससे गुस्सा आए और वह डॉग फाइट में डॉग्स को हरा सके। और ऐसा ही होता है। व्हाइट फैंग अपनी सभी फाइट में सभी लड़ाकू डॉग्स को हरा देता है, जिससे स्मिथ काफी पैसे जीत जाता है। एक दिन एक आदमी व्हाइट फैंग के साथ फाइट के लिए एक बुलडॉग को लाता है। बुलडॉग व्हाइट फैंग को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। फाइट चल ही रही होती है कि जैक और अलेक्स भी वहां आ जाते हैं, जो मार्केट में घर के लिए राशन लेने आए होते हैं। जैक किसी तरह से व्हाइट फैंग की गर्दन को बुलडॉग से छुड़वाता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, पर स्मिथ इसका विरोध करता है। जैक उसे याद दिलाता है कि तुम ही हो जिसने मेरी जेब काटी थी, इसकी कीमत पहले ही वसूल चुके हो। और फिर जैक व्हाइट फैंग की मरहम पट्टी करके अपने पास अपने घर ले आता है, क्योंकि व्हाइट फैंग ने जैक की जान बचाई थी और जैक इस बात को नहीं भूल सकता था।
वह उसकी देखभाल करने का निर्णय लेता है और उसको घर के अंदर बांधकर बाहर आ जाते हैं। और फिर कुछ ही घंटों बाद व्हाइट फैंग को होश आ जाता है, क्योंकि अब व्हाइट फैंग पालतू से लड़ाकू डॉग हो चुका था। वह उन दोनों को देखकर उन पर गुर्राने लगता है, पर जैक उसको जंजीर से खोलने के लिए जैसे ही उसके पास जाता है, व्हाइट फैंग जैक के हाथ पर काट लेता है। अलेक्स जैक से कहता है कि इसे खोल दो, इसकी जगह जंगल में है। और फिर जैक उसे किसी तरह जंजीर से खोलकर अलेक्स के साथ बाहर आ जाता है। और थोड़ी देर बाद व्हाइट फैंग घर से बाहर आता है। जैक महसूस करता है कि व्हाइट फैंग के साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने व्हाइट फैंग के साथ बुरा बर्ताव किया हो जिससे वह गुस्सैल हो गया हो। जैक कुछ देर बाद व्हाइट फैंग के पास आता है जो बाहर बैठा हुआ होता है। जैक को देखकर वह वहां से जाने लगता है, पर जैक उसके साथ प्यार से पेश आता है और प्यार की भाषा चाहे इंसान हो या जानवर दोनों ही समझते हैं। और फिर उसे खाने के लिए कुछ देता है, क्योंकि व्हाइट फैंग भी भूखा होता है और वह जैक के द्वारा फेंका गया खाना खाने लगता है। धीरे धीरे जैक व्हाइट फैंग को हाथ से खिलाना शुरू करता है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता है। व्हाइट फैंग भी जैक के इस व्यवहार से उसके साथ खुल जाता है। फिर उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है, जिसे देखकर अलेक्स भी बहुत खुश होता है। और फिर वे दोनों एक साथ जंगल में खूब मस्ती करते हैं। अब उन दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है और वह एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। और अगले दिन जैसे ही जैक अपने फादर की खदान से मिट्टी निकला रहा होता है कि खदान के नीचे बैठने से जैक वहीं फंस जाता है। व्हाइट फैंग ये देखकर जैक को बचाने के लिए वहां की मिट्टी हटाना शुरू करता है और अलेक्स की मदद से जैक को बाहर निकालता है। ये देखकर जैक बहुत ही खुश होता है। और जैसे ही वे बाहर आते हैं, अलेक्स देखता है कि व्हाइट फैंग के पैर पर सोने का बुरादा लगा होता है। वे समझ जाते हैं कि जो मिट्टी व्हाइट फैंग ने निकाली थी उसमें सोना है। अगले दिन जैक सोने की शुद्धता को टेस्ट कराने के लिए व्हाइट फैंग को कमरे में छोड़कर मार्केट जाने लगता है, पर तभी व्हाइट फैंग खिड़की का कांच तोड़कर जैक के साथ जाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और वह सोना टेस्ट कराने के लिए जाते हैं। उसी दौरान स्मिथ का दोस्त ल्यूक व्हाइट फैंग और जैक को देख लेता है। जैक अलेक्स को सोने की 98% शुद्ध होने की जानकारी देता है। और जब वे रात में सो रहे होते हैं, स्मिथ और उसका दोस्त उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और बाहर से घर को आग लगा देते हैं। व्हाइट फैंग बाहर आकर उन पर हमला कर देता है और अलेक्स और जैक उन सबको पकड़कर पुलिस को सौंप देते हैं, क्योंकि सोना मिलने से अब वे अमीर हो चुके हैं। अलेक्स जैक को अपने साथ शहर चलकर पार्टनरशिप में होटल खोलने के लिए कहता है और जैक को सलाह देता है कि व्हाइट फैंग को शहर में ले जाना सही नहीं है, उसे जंगल में ही अच्छा लगेगा। जैक अलेक्स की बात से सहमत हो जाता है और अगले दिन व्हाइट फैंग को जंगल में ले जाकर छोड़ देता है। पर जैक देखता है कि व्हाइट फैंग उसके पीछे ही आ रहा है। वह एक डंडा उठाकर व्हाइट फैंग को वहां से जंगल में भगाने की कोशिश करता है। व्हाइट फैंग भी डर कर जंगल में भाग जाता है। फिर वह तीनों अलेक्स और उसकी गर्लफ्रेंड और जैक शहर जाने लगते हैं। और जैसे ही वह बोट पर पहुंचते हैं, जैक अलेक्स से कहता है कि मैं अभी यहीं पर रुकूंगा। अलेक्स समझ जाता है कि जैक भी व्हाइट फैंग के बिना नहीं रह सकता और वह वापस आ जाता है, क्योंकि जैक को उम्मीद थी कि व्हाइट फैंग जरूर लौट आएगा। और उसके बाद वह घर की टूटी छत को ठीक करने लगता है, क्योंकि व्हाइट फैंग भी जैक को भूल नहीं पा रहा था और जैक को मिस कर रहा था। वह जैक को देखने उसी घर के पास आता है और जैक जैसे ही व्हाइट फैंग को देखता है, वह उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। व्हाइट फैंग भी दौड़कर जैक को गले लगा लेता है और प्यार से जैक को चाटने लगता है। फिर दोनों एक साथ जंगल में घूमते हैं और मस्ती करते हैं। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।